और अब बात जोशीमठ की। दरार, बारिश, बर्फबारी, जोशीमठ पर संकट भारी। जो हम दिखा रहे हैं उसको ज्यादा ध्यान से देखिएगा। कल रात से बदले मौसम ने उत्तराखंड के से जम्मू कश्मीर तक ठंड बढ़ा दी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, बर्फीले तूफान का हैरान करने वाला वीडियो दिखाएंगे, लेकिन पहले बात जोशीमठ की करते हैं, वहां के लोगों की करते हैं। मिशन जोशीमठ, TV9 भारतवर्ष की खबर का साथ। उत्तराखंड सरकार ने मुआवजे और पुनर्वास के लिए फंड रिलीज कर दिया। नंबर वन, टूटे घरों का मुआवजा तय करने के लिए आज नई कमेटी बनाई गई है। जो जानकारी आ रही है, जोशीमठ पर गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मंत्रालयों के साथ मीटिंग की है। आज जोशीमठ में 2 होटलों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई है। जोशीमठ में दरार वाले घरों की संख्या 760 हुई है। अब तक 169 परिवारों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा चुका है। अब तक कुल 590 के आसपास लोगों को शिफ्ट किया गया है। ये बड़े अपडेट्स हैं। तेजी से बदलता मौसम जोशीमठ के आपदा से पीड़ित लोगों के लिए नई आफत बन गया है। ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। कल रात से हो रही हल्की बारिश ने परेशानी बढ़ाई है। कल रात मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राहत शिविरों का दौरा किया, प्रभावित लोगों से बात की, लेकिन जब TV9 भारतवर्ष लोगों के पास पहुंचा तो उनका गुस्सा सामने आ गया। आप लोग समस्या सुनाना चाहते थे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं रुके। कोई बीमार, कोई देखने वाला नहीं आ रहा। तक हम रहेंगे, हमें कोई क्लियर नहीं बता रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम तो दिन में भी रात में भी दहशत में हम लोग। प्रभावित लोगों की मदद को लेकर सवाल खड़े होने के बाद उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने स्पेशल पुनर्वास पैकेज के लिए 45 करोड़ रुपए जारी कर दिए। एक और कमेटी बनाई गई है। चमोली के DM की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी प्रभावित परिवारों की आर्थिक मदद और पुनर्वास पैकेज को तय करेगी। कमेटी में स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ लोकल विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका के मेंबर को भी शामिल किया गया है। अरे आश्वासन दे के नहीं चलेगा धामी जी, आपको यहाँ पे आना होगा। आश्वासन दे के नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आखिरकार 2 दिन बाद जोशीमठ के 2 होटलों को तोड़ने का काम शुरू किया गया। होटल तोड़ने के लिए सरकारी बुलडोजर तो 2 दिन पहले ही बुला लिए गए थे, आज बुलडोजरों का इंजन ऑन कर दिया गया है। सेफ्टी मानकों को देखते हुए कि आसपास के लोग को कोई रिस्क ना हो जब इस तरह की कार्रवाई, डिसमेंटलिंग की कार्रवाई की जाए, तो इसीलिए हमने SDRF और NDRF की टीम्स वहां डिप्लॉय करी है। लेकिन इस सब कवायद के बीच जोशीमठ की दुर्दशा के लिए सरकारों की लापरवाही बार बार सामने आ रही है। जोशीमठ की आपदा को लेकर सरकारों को लगातार आगाह किया गया, लेकिन सरकार सोती रही। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के दावों ने सरकार की लापरवाही की एक और तस्वीर सामने रखी। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का दावा है कि भू धसाओं की समस्या 14 महीने पहले शुरू हुई। पिछले साल नवंबर में विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया था। पिछले साल नवंबर में सिर्फ 10 से 12 मकानों में दरारें आई थी। सरकार को भू वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की कमेटी बनाने की सलाह दी गई थी। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने सरकार को बार बार चेताया था, लेकिन सरकार ने आने वाले संकट की तरफ ध्यान नहीं दिया। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि जोशीमठ की बर्बादी की कहानी कई साल पहले शुरू हो गई थी। ऐसे समय में कि जबकि इमरजेंसी सिचुएशन है और लगातार बोलने के बावजूद अभी अवस्था है, हमने कहा था कोऑर्डिनेशन कमेटी आप बना लीजिए, स्थानीय लोगों को उसमें शामिल कीजिए, तो आप इसको बेहतर तरीके से ठीक तौर पर कर पाएंगे। लेकिन जो प्रशासनिक अमले, प्रशासनिक मशीनरी के जरिए अगर आप इसको करेंगे तो ये बहुत सफल होने वाला नहीं है, तो उसके जो फ्लॉज हैं, उसके जो कमियां हैं, वो दिखाई दे रही हैं लगातार। एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि जोशीमठ के आसपास के पहाड़ कमजोर हैं, चट्टाने संवेदनशील हैं, लेकिन इसके बाद भी जोशीमठ में NTPC की सुरंग बनाने का काम जारी रहा, पहाड़ काटने का काम चलता रहा। आज इसी लापरवाही का नतीजा पूरा जोशीमठ भुगत रहा है।